तो हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ही अच्छे हो, अच्छे ही रहना। तो आज धूप आई है, सुबह सुबह उठ के बारिश पड़ी थी फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बोचारे आई थी। और फ्रेंड्स, फिर धूप आ चुकी है। तो फाइनली अब टाइम हो रहा है 1:45, मतलब 2 बजने में कुल 15 मिनट रह चुके हैं और हमारी प्यारी प्यारी धूप आ चुकी है। सुबह दादा वो भी सिर्फ शूटर को देखने आ रही है, जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये कम से कम कुछ किरण तो मिली, आशा की धूप आ रही है आज। चाहिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शिटो अजय बाबू, फ्रेंड्स ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मैंने अपने एक ब्रेकफास्ट में लिया है दही रोटी, उसके ऊपर आप देख सकते हैं मक्खन, उसके ऊपर चटनी है हरी। मैंने फ्रेंड्स खास मम्मी से रिक्वेस्ट करके कहा था कि मम्मी आज मेरे को थोड़ा चटनी रोटी खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी ने मेरे खास बनाई है, तो आप देख सकते हो मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स, ये बेसन की रोटी है, इसे हम कह जाते हैं मिस्सी रोटी। तो फ्रेंड्स, ये हम चाय के साथ भी खा सकते हैं, दही और चटनी के साथ खा सकते हैं, मक्खन बस के ऊपर मक्खन बहुत ज़रूरी है, मक्खन के बिना उसका टेस्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, समझ रहे हो। तो काफ़ी टेस्टी है, आप भी अपने घर पे खाओ मज़े में। तो हमारे सूरज दादा को वहाँ पे हैं वो, और मतलब धूप तो ऐसी आ रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि किसी तरफ धूप तो किसी तरफ छाए, जैसे इस तरफ धूप आ रही है इस तरफ। अरे भाई ये कौन है धूप के बीच में काला काला, शूटर है ये तो। देखो इस तरफ भी धूप आ रही है, उधर ली आ चुका है फ्रेंड, देख सकते हो। हाँ शूटर, अच्छा ली क्या कर रहा है, ली को देख रहा है, मुझको तो देख ले शूटर है। अरे बाबू छोनू मोनू क्या करती है तू, मिला कालू कलो तू बैंगल नो, तो ली पे ऊपर चढ़ गया। देखो जाके ली जरा शूटर के बारे में कोई शायरी सुनाना है, सुना दे ब्रो। नो चलो ही खड़े हो, शायरी सुना भाई। देख हम पे है एक शूटर कलुआ, हम पे है एक शूटर कलुआ, शूटर की बहू आज रात बनाएगी हलवा। ओहो शूटर, ओए ओए शूटर हलवा खाएगा, गाजर का या यली सूजी का गाजर का, ओ उसकी बहू की मर्जी। अब उतरने का नाम नहीं ले रहा है लीली, उधर शूटर था, नहीं उतरूंगा मैं, मजा आ रहा है, वो बैठ रहे हैं उसके। हाँ शूटर तुझे निकाल दिया। देखो फ्रेंड्स, अब इसकी हालत थोड़ी सही होती जा रही है। देखो शूटर अपने झड़ता हुआ, पहले मैं साफ होकर जाऊंगा मम्मी जी के पास। हेल बेबी मेरा बच्चा, नहीं नहीं शूटर को ली के पास जाना है, नहीं नहीं शूटर को मम्मी के पास जाना है। शूटर कंफ्यूज, अरे मुझे मम्मी के पास से मत उठा, हट हट, मम्मी के पीछे पीछे जाऊंगा, छोड़ दे ली, ली छोड़ दे, शूटर के लिए लड़ाई मत करो। खाना मम्मा देती हैं, नहीं भेज दो शूटर को। देखो हाँ, तो फ्रेंड्स अब धूप जा चुकी है, देख सकते हो पूरी तरीके से। अरे आ गई थोड़ी थोड़ी आ गई, ये कौन सा बच्चा रो रहा है, शूटर इसमें शकरकंदी नहीं है, अब शूटर सोच रहा है शकरकंदी दबा रखी होगी, मस्त शकरकंदी की तलाश में है ये अभी ऊपर एक आज मम्मी से बात के लिए कपड़े सूख रहे और हम कैसे हिलने दे दो। अरे मशीन डांस करा लिया हमें, मशीन कैसे हिल रही है हमारी वॉशिंग मशीन, देखो देखो फ्रेंड्स साहब ली पूरा वाइब्रेट हो रहा है, शेक हो रहा है, शेक। देखो फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ कपड़े ज़्यादा ही हो गए हैं आज। भाई
ओ भाई अब तो कुछ ज़्यादा तेज। ओ भाई ओ तो ओ भाई भाई तो फ्रेंड देख सकते हो मेरा हाथ शेक हो रहा है पूरा। ये तो कैसे शेक हो रहा है? तो फ्रेंड्स आप देखो जा रहा है हमारे शूटर बबुआ को घुमाने। हाँ शूटर तो घूमने जा रहा है, खुशी हो रही है तुझको? जैसे खुशी होती है बहुत घूमने जाने की। चलो चलो चलो। ओ भाई रफ्तार बंदे की। मैं घूमने जा रहा हूँ मास्क लगा के। ओ भैया शूटर घूम ही करने जा रहे हो? रे यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो आज फ्रेंड्स मैं नहीं लेके जा रहा शूटर को, तो इसलिए वो आने का नाम। तो फ्रेंड्स सब देख सकते हो ली जा रहा है। इधर से लेके जाऊँ ना? हाँ नहीं इधर से लेके जा, इस तरफ से। चल भाई शूटर बाय बाय जा। ये भी बच्चा बुला के ला रहा है फ्रेंड से, तो इस तरफ लेके जाना है। आजा शूटर आजा इधर कहाँ ले जाओ। चलो दोनों बच्चा रहे उधर ले जाओ आप। चलो देखो फ्रेंड्स दो बच्चे आ चुके हैं इसको घुमाने जाने के लिए। तो लिए एक वो गैवी, अब शूटर को घास में खुला छोड़ देंगे, उनके साथ खेलेंगे सब बच्चे। तो हे फ्रेंड्स यार अब रात का टाइम है, सोने का टाइम हो चुका है और मैंने तो अपनी रजाई ले ली और कम्बल ले लिया, क्योंकि फ्रेंड्स रात में रजाई के अंदर कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर कम्बल ओढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए देख सकते हो कि मैं आपके लिए लाइफ स्टाइल व्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं देखना हुआ यार वॉशिंग मशीन ने हमें कैसे डांस करा दिया, डांस करा दिया फ्रेंड्स, इतनी तेज़ ली थी उसके अंदर। मम्मी ने थोड़े ज़्यादा ही कपड़े लोड कर दिए, मम्मी जी तो गई थी मार्केट, हमने कुछ ज़्यादा ही कपड़े उसमें लोड कर दिए, जुन हमें हिला दिया उस मशीन ने, फिर सूख गए वो कपड़े। तो फ्रेंड्स आपने देखा आज हमने दिन में बहुत ज़्यादा वाले मज़े करे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब सो जाते हैं, नींद भी काफ़ी आ रही है। अब नींद क्या सोना तो है नहीं, अब व्लॉग एंड करके मुझे व्लॉग एडिट भी करना है फ्रेंड्स। रात के 11 तो बज ही जाते हैं, कल भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स व्लॉगर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, पूरे दिन सोचो कि क्या बनाना है, क्या नया कॉन्टेंट लाना है, रोज़ ही रोज़ नया कॉन्टेंट खोजना फ्रेंड्स, दिमाग को बहुत सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि रोज़ ही रोज़ कंटेंट लाना बहुत मुश्किल बात है। तो फ्रेंड्स अब वक्त ना इंतजार करते हुए मैं व्लॉग एंड कर देता हूँ। यार अगर आपको यार व्लॉग पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके आओ और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो। और फ्रेंड्स मुझे बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है यार, आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, कमेंट तो कर दे करो यार जो भी देख रहा है। तो अभी के लिए बाय बाय, आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।